नमस्कार दोस्तों, मैं रांची सर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा कैसे बनाएंगे और चुनाई किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, एक नुकर है, इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है। तो हम एक ही दीवार कोई भी लगाएंगे तो एक का दाढ़ा बनाना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से बनाते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ मसाले को फैला देंगे, यानी कि जितना हम नीचे मसाला दिए हैं उतना ही बिल्कुल बराबर मसाला रखेंगे। और मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर फैला लेना है, जैसे कि देख सकते हैं मैं फैला रहा हूँ। और यहाँ पे पहले ये जो डेली लगा हुआ था, एक इंच लंबी ऐसे लगा हुआ है और बीच में डेली लगा हुआ है और बाकी ये लंबाई ऐसे ही लगा और लंबा इधर से भी लगा है। तो इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं, तो एक कोर धार वाला ईंट ले लेंगे। कई बार तो होता है जब हम ईंट फेंकते हैं तो ये नुकर टूट जाता है, तो टूटा वाला जो नुकर होगा वो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे ये रखेंगे बिल्कुल नुकर में मिला के, और दूसरा ईंट जो होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि जो डेली इधर लगा है अब डेली इधर आ जाएगा यहाँ पे, और एक ईंट हम यहाँ आगे इसके रख देंगे और बीच में दो डेली काट के इस तरीके से यहाँ रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ईंट जो रख दिए, इसको ये जो नुकर है इसको सिधाई में करने के लिए इसी नुकर से हम यहाँ साहुल कर लेंगे यहाँ पे। तो साहुल का मैं कैंडा दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल सीधा है और यहाँ जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा कि गैप यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इतना ही मतलब कि हर एक ईंट में साहुल हम जब किए हैं, जैसे कि देख सकते हैं इतना का हर एक ईंट में ये गैप है, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल बराबर। और इतना ही इस नुकर में भी कर लेना है और साहुल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। और उसके बाद यहीं से हम सूत को मिलाए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं सूत बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा है और ये जो आगे वाला ईंट है थोड़ा हटा हुआ है, तो इसको बिल्कुल हम सूत में सटा देंगे। और इस नुकर में भी साहुल कर लेना है यहाँ से, क्योंकि जब हम इधर का चुनाई लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो ईंट है वो बिल्कुल सीट पीट है। तो यहाँ पे मतलब सूत मिला के और ये जो ईंट है इसको सीधा कर लेंगे, और ये जो डेली लगा हुआ है इसमें दर्द को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को भर लेना है। मैं नहीं भर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। और उसके बाद दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को बिछा के, एक बार इधर फेर देंगे एक बार इधर फेर देंगे, मसाला जो होगा कितना बढ़िया बिछ गया। अब यहाँ पे जो भी ईंट रखेंगे बिल्कुल ये नुकर सूत को में मिलना चाहिए। और गैप की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं गैप जो है वो बिल्कुल बराबर रख रहे हैं। तो नीचे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसका जोड़ कट रहा है। और ये नुकर और ये नुकर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए यहाँ पे। और इसी तरीके से फटाफट हम तेजी में चुनाई आगे लगाते बढ़ते जाएंगे, और आखिर तब जब चुनाई लग जाएगा तो ये जैसे कि दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, जब इधर भरना है तो इधर हाथ लगा देना है और जब इधर भरेंगे तो इधर हाथ लगा देते दर्ज होगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से भरेगा। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा हम पहले किस तरीके से बांधे हुए थे। एक ईंट लंबा हमारा ऐसे लगा था, दूसरा यहाँ था, ये 2.25 इंच के बीच में गैप था और एक ईंट यहाँ लगा हुआ था। तो यानी कि नीचे वाले जो रदे हम बांधे हुए थे तो डेली हमारा इधर था और इसके ऊपर वाले रदे में इधर आ गया। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो बिल्कुल बराबर जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा लेना है यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों आप जितना लंबा से लंबा दीवार हो इस तरीके से दाढ़ा निकाल के और चुनाई लगा सकते हैं। तो ये ईंट पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाढ़े के लिए इधर निकाल देंगे और दूसरा जो ईंट होगा इसी के बगल में हम रख देंगे, और एक कोर धार वाला जो नुकर वाला ईंट होगा हम इस नुकर में रख देंगे यहाँ पे। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा इधर से भी, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कटा हुआ है
और इधर से भी कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कट गया। अब नीचे वाला डेली हमारा इधर था, अब ये डेली फिर इधर आ गया है। तो क्या करना है, डेली इस तरीके से काट के और इसमें रख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में जहाँ जहाँ हम पहले साउल किए थे वहीं वहीं बिल्कुल अच्छी तरीके से साउल कर लेंगे। इस उसी ईंट से ईंट को बदलना नहीं है, तो जितना गैप था हमारा साउल में यहाँ उतना ही हम फिर गैप रखे हुए हैं और यहाँ भी कर लेंगे इस नुकर में। तभी जाके दोस्तों ये जो नुकर होगा बिल्कुल सीधा जाएगा और इस ईंट से भी कर लेंगे। और साहुल की डोरी हो या सूट हो, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ मिला के इसको सीधा कर लेना है। और यहाँ से सूट को मिला के आगे वाले ईंट को बिल्कुल सही कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ईंट रख के और अच्छी तरीके से बांध लेंगे इसको। और आगे फिर फटाफट चुनाई हम लगाते आगे चौकते जाएंगे। जो भी ईंट रखना है ये बिल्कुल सीधा रखना है इसी के बराबर में, और गैप भी बिल्कुल बराबर रखेंगे तो नीचे वाला जो जोड़ होगा वो बढ़िया तरीके से यहाँ कटेगा। और ये जाल है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से अब खाँच खाँच के इस तरीके से भर लेना है यहाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा इसी तरीके से निकाला जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।